हेलो किड्स, आई एम दीक्षा बंसल एंड यू आर वॉचिंग दी ट्यूटोरियल। हमने पार्ट वन में ये समझा कि चित्र के नवरात्रि में ही हिंदू नववर्ष क्यों स्टार्ट होता है और देवी माता की उत्पत्ति, मत्स्य अवतार और राम जी के जन्म के बारे में भी जाना। बट आज का हमारा टॉपिक क्या है? एनी गेसेस? सोचो किड्स, इंडिया में नवरात्रि का फेस्टिवल भी दीपावली और होली की तरह बहुत ही पॉपुलर है। बट क्या सभी स्टेट्स में नवरात्रि एक ही तरीके से सेलिब्रेट किए जाते हैं या उनके स्टाइल्स, तरीके सेलिब्रेशन के भी अलग हैं, डिफरेंट हैं? ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो ये सब सेम है या डिफरेंट है? इट्स डिफरेंट। बट इंडिया में स्टेट्स कितनी हैं? इंडिया में 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। और इन सभी स्टेट्स एंड यूटीज में ये अलग अलग स्टाइल्स में सेलिब्रेट की जाती है। जैसे इंडिया के नॉर्दर्न जोन में कंजक पूजा होती है। वेट, नॉर्दर्न जोन, ये क्या होता है? आई विल टेल यू, लुक एट दिस, ये हमारा इंडिया का मैप है। देखो, डायरेक्शंस 4 होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। नॉर्थ कहाँ होती है? ऊपर, साउथ होती है नीचे, और राइट साइड में ईस्ट और लेफ्ट साइड में वेस्ट। ऐसे ही 4 डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हमारे भारत को भी 4 जोन्स में डिवाइड किया गया है। ऊपर की साइड है नॉर्दर्न जोन, नीचे साउदर्न जोन, लेफ्ट साइड में वेस्टर्न जोन एंड राइट साइड में ईस्टर्न जोन। देखो, ये जो साइड में है यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट जोन है और ये जो सेंट्रल पार्ट है ये सेंट्रल जोन है। तो टोटल हमारे 6 जोन्स हैं। Have you got it? Yes, ma'am. Okay, तो इंडिया के नॉर्थ जोन में नवरात्रि के 8वें और 9वें दिन कंजक पूजा की जाती है। कंजक पूजा में 9 गर्ल्स की पूजा की जाती है और उन्हें भोग लगाया जाता है और उन लड़कियों को हम कंजक कहते हैं। लोग दिन में कीर्तन करते हैं और रात में जागरण। दुर्गा माता के 51 मीन्स 51 शक्ति पीठों पर भक्त इकट्ठे होकर उत्सव मनाते हैं और इन शक्ति पीठों पर भारी मेले लगते हैं। जम्मू कटरा, जो कि नॉर्दर्न जोन में है, वहां पर वैष्णो देवी के रूप में माता की पूजा की जाती है और हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में नैना देवी के रूप में जाता है, वही चामुंडा के रूप में पूजा जाता है और सहारनपुर में शाकुंभरी देवी के नाम से मेला लगता है। और गुजरात, जो कि वेस्टर्न जोन में है, वहाँ पर तो कुछ अलग ही नजारा मिलता है। वहाँ पर एवरीडे 4-5 लाख पीपल इकट्ठे होकर गरबा डांस का कंपटीशन रखते हैं और जो सबसे अच्छा गरबा खेलता है और डांस करता है उसे प्राइज मिलता है। आई लव गरबा डांस। माँ शक्ति नवरात्र महोत्सव को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। बट उनका नेम क्यों ऐड किया गया? क्योंकि वहाँ पर अब तक का सबसे बड़ा गरबा डांस कंपटीशन हुआ था और बहुत सारे लोग, लाखों की गिनती में वहाँ पर इकट्ठे हुए थे। 4-5 लाख लोगों ने इकट्ठे गरबा डांस किया था, जो कि एक रिकॉर्ड है। ओह, अब मुझे समझ में आया। आओ, वेस्ट बंगाल, जो कि ईस्टर्न जोन में है, वहाँ की दुर्गा पूजा भी वर्ल्ड फेमस है। वहाँ पर दुर्गा माता की मूर्ति बनाकर उसे स्थापित किया जाता है और 9 दिन उनकी पूजा की जाती है और फिर उसके बाद माता की मूर्ति को जल में प्रवाहित कर देते हैं और मूर्ति को प्रवाहित करते वक्त भक्तजन रंग खेलते हैं और नृत्य भी करते हैं। किड्स, डू यू नो केरला
इंडिया का 100% लिटरेसी स्टेट है। यहाँ पर नवरात्रों के दिन माता सरस्वती की पूजा की जाती है, क्योंकि माता सरस्वती बुद्धि और ज्ञान की देवी है। यहाँ पर ऐसी परंपरा है कि लोग 2 दिन तक अपनी बुक्स को माता सरस्वती के सामने रखते हैं। चलो अब हम चलते हैं कर्नाटक में। कर्नाटक में आश्विन मास के नवरात्रों में दशहरे के दिन हाथियों को सोने चांदी के गहनों से सजाया जाता है। मैसूर के राक्षसी क्वार्टर की लाइटनिंग तो देखते ही बनती है। नवरात्रि के बारे में हम कुछ और भी इंटरेस्टिंग बातें जानेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक्स, बाय बाय, हैप्पी नवरात्रि।